तो मेरा नस काटने वाली हूँ मैं, मेरे साथ बहुत गलत हुआ यार। प्रिया याद है हाथ काटने गोली मत खून ले ऐसे। तो हमारे गांव के पास, हमारे गांव में एक जंगल है, उस जंगल को पार करके ना एक गांव मिलता है जिसका नाम है सालबगान। स्कूल का नाम सालबगान और जगह का नाम कुलकुल बस्ती। और गांव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। तो बचपन में मैं आई थी तो मुझे ना ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उसके बाद तो कभी मैं आई नहीं, तो मुझे आज इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना यहाँ पे आके। तो मैं अपना एक दोस्त के साथ आई हूँ, रूबी बॉम, जो मेरा कैमरा कर रहा है। थैंक यू सो मच यार, मतलब तुम बहुत अच्छी हो। और उसके साथ आई हो और ये देख सकते हो, पता है वो पूरा पुराना स्कूल है, ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना स्कूल है। और ये जो क्लासरूम है ना, अंदर में खिड़की खुला हुआ है, तो अंदर में क्या क्या गेस्ट आ जाए। वो भूत है यहाँ पे। गाइस अभी ना ये जो स्कूल है ना, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब क्या बोलूँ। पता है अभी मैं उसका जो स्कूल का जो डिज़ाइन है, जैसे कि उसका जो खुट्टा होता है ना, वो काट का एकदम बड़ा बड़ा लाइक पुराने ज़माने का ऐसा लग रहा है। देखो तो देख के वैसे कहते हैं मुझे, हम जिसका कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इसके साथ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और वाह ये देखो ऊपर में, आई थिंक ये स्कूल बन है शायद, आजकल स्कूल पढ़ाते नहीं है शायद। और फिर से मैं हमेशा देखती हूँ ना, जहाँ में एक पीपल का पेड़ होता है ना, उसके सामने दूसरा क्यों होता है, मतलब पति पति होते हैं शायद सेम सेम। वैसे पता नहीं यहाँ पे देखो ना, इतना मकड़ी का जाल है यार। वैसे ये दरवाजा तो देखो यहाँ पे ताला लगा तो नहीं है। ओह माय गॉड ये चीज तुम लोगों को आता है क्या, ये कैसा करते हैं? आता है ये ऐसा करता है ना, उसके बाद मतलब टूट गया। वैसे ये तुम खुला के दिखाओ, तो खुला के दिखाओ। अच्छा सुंदर जगह दिखाओ मुझे, यहाँ पे सुंदर जगह क्या है, मेरा हाथ पकड़ो दोनों, मुझे लेके चलो कहाँ अच्छा जगह है, मुझे लेके जाओ, अच्छा जगह लेके जाओ मुझे, मुझे नहीं हाथ पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे तो मैं बना लिया वीडियो। और ये मेरा छोटी छोटी सहेली लोग, अच्छा लगता है तुमको ऐसा, तुम लोग यहाँ पे घूमते हो क्या? वैसे ना गाइस ये जगह ना कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, मतलब ये जो जगह है ना, इतना सुनसान, इतना अंधेरा, मतलब यार कुछ अजीब सा लग रहा है। और ये सब देखो तो क्या क्या है यहाँ पे नीचे, और पता है मरा हुआ जानवर भी बहुत सारा, इंसान का हड्डी भी मिला, पर मेरा को हिम्मत नहीं है दिखाने का, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। बहुत ज़्यादा रिस्की है इस जगह पे रहने में, क्योंकि जंगल के अंदर ये गाँव है और गाँव के अंदर इतना बड़ा जंगल है ना, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। ये बंद करो, इसके ऊपर भी उठना आता है, डेंजर निकला यार। वैसे बचपन में तो मैं बहुत उठती थी, पर अभी नहीं उठा मैं बहुत सालों में। गिरेगा कुथार देगी, मेरे से दाम नहीं आ रहा है क्या? अच्छा लगता है तो खुशबू लगता है।
मुझे जंगली का। तो कैसा लगा हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके? अच्छा लगा बोलो यार। अच्छा लगा। गाइस, बच्चे लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा किया, बहुत ज्यादा मुझे हंसाया। वैसे तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया यार, इतना दूर से मैं आई हूँ, मुझे इतना भूख लगा है, तुम लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। कुछ खिलाओगे क्या मुझे? खाना बना, खाना खिलाओगे कोई मुझे? कोई खाना खिलाएगा क्या मुझे? नहीं खिलाएगा कोई भी? कोई नहीं खिलाएगा खाना? ऐसा नहीं करना चाहिए। गाना सुनना है? क्या गाना सुनना है बोलो? हिंदी, आदिवासी, हिंदी गान। चलो। आखनाई मर भी तुई मोके पिया, बागन के मोर दिल नाई चुरा भी, धक्के 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 दिल बाजे रे। एक गाना सुनाओ आदिवासी का कुछ। और चिड़गन सागे सासे में लग रहे हैं, वो ग्राम बसी है देश ग्राम देश। हाँ, अब बस वो आती है। सिरिंग ना की लास्ट करें से, सिरिंग ना की लास्ट करें से। उनसे मदद मांगा मुझे, बोलो पानी पिलाने वाली है। क्यों डर लगता है क्या? तो क्यों इतना शर्मा रही हो? इतना शर्मा क्यों रही हो? इधर देखो, ये देखो इतना सुंदर हंसी है। आदिवासी ना? हाँ। यहाँ पे कितना घर आदिवासी का, कितना लोग है यहाँ पे? सुनो, और सब बिहारी है क्या? बंगाली लोग भी है। तो ये किसका घर है? इधर पे आओ ना, मुझे ग्लास ग्लास नहीं चाहिए, मैं अपना हाथ से पानी पीऊंगी। बाप रे, इतना सारा बच्चा। मुझे पता है, बहुत दिन ऐसा पानी नहीं पिया, और जब थक के ऐसा पानी पीने में मजा ही कुछ और है। मोजा से पानी पी रहे ना? कितने मोजा से पानी पी रहे? चीनी जैसा मीठा पानी, इतना मीठा है। हाँ, शुगर केन जूस। तो गाइस, अभी मैं अपना हाथ काटने वाली हूँ, आप लोग देख सकते हो, मेरा नस काटने वाली हूँ मैं। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है यार, बिना कुछ किए मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। पर आप यकीन मत करना, मैं प्रैंक करने वाली हूँ पापा के साथ। तो पता है क्या हुआ था? वैसे आप लोगों ने व्लॉग पे देखा, मैं घूमने गई थी ना, तो घूमने गई थी ना, तो आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है, मीन्स अंधेरा हो गया था। और ऐसा तो रुको, ऐसा तो परमिशन नहीं मिलता मुझे घर से इतना रात भर घूमना। क्या हुआ था, मतलब मेरा फ्रेंड जो है ना, उसको कुछ खाना है और ये करना है, तो हम लोग ऐसे घूमते हमारा थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग जगह देख रहे थे, तो मम्मी को मैंने बोला कि मैं 4 बजे के अंदर आ जाऊँगी, पर मैं 4 बजे के अंदर नहीं आया, मैं 7 बजे को आया। और मैंने कभी ऐसा नहीं किया था, तो मम्मी पापा इतना ज़्यादा डर गए थे ना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा, आगे से देखो मेरा आँखें देखो फूल चुका है पूरा, मैं रो रो के उनका बात सुन के रो के। तो अभी थोड़ा सुकून मिला है मुझे, अभी मैं रो नहीं रही हूँ। मैंने सोचा ना, वो लोग मुझे रुलाया ना, अभी उनके साथ मैं प्रैंक करती हूँ। गाइस, मैंने कैमरा तो सेट कर लिया है, उसके बाद ये ब्लैक और ये मेरा हाथ, अभी मैं पापा को बुलाऊंगी। हाँ, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा। ये आप लोग देख सकते हो, पापा इतना ज्यादा डर गया था, मुझे पूरा अंदर में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा बोल के। अभी मैं देखो टेबल के नीचे छुपी हुई हूँ, बेकार में फिर गुस्सा करेगा मुझे बहुत ज्यादा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गाइस प्लीज, ऐसा प्रैंक मत करना कभी भी क्योंकि पापा तो स्ट्रांग है, हार्ट कमजोरी लोगों को तो इतना डर लग जाएगा यार। सॉरी पापा, कोई बात नहीं यार, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगी, मैं छुप रही हूँ, नहीं तो मेरे को ढूंढ नहीं आएगा, अभी मारेगा देखो टेबल के नीचे। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मैं रोज़ दिखाती रहूँ। अगर चुम्मा सबको, और भाई मुझे छुपना पड़ेगा, नहीं तो मार खाऊंगी मैं।